और बात भारतीय सिनेमा की, क्योंकि भारतीय सिनेमा के दो बड़े अभिनेता आमने सामने आ गए हैं। अपने अभिनय से लोहा मनवाने वाले नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर कल एक दूसरे से जबरदस्त जुबानी जंग में उलझ गए। नसीरुद्दीन शाह के एक इंटरव्यू में अनुपम खेर को उन्होंने मसखरा कहा, तो अनुपम खेर ने जवाब में ये कहा कि कुछ पदार्थों का सेवन करने की वजह से सही और गलत का फर्क भूल गए हैं नसीरुद्दीन। ये डायलॉग फिल्मी है, लेकिन अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के किरदारों में विचारधारा का जो टकराव रियल लाइफ में नजर आया, उसी का विस्तार अब रियल लाइफ में भी दिखने लगा है। अगर यकीन ना हो तो अनुपम खेर के इस बयान को सुनिए। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा, आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। किसी कलाकार को अपने साथी कलाकार के खिलाफ इस तरह बोलते शायद ही पहले सुना गया हो, लेकिन नसीरुद्दीन शाह के एक इंटरव्यू ने अनुपम खेर को बुरी तरह से तिल मिला दिया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर जारी विरोध के मुद्दे पर नसीरुद्दीन शाह ने इस इंटरव्यू में कहा था, मुझे नहीं लगता कि अनुपम खेर को गंभीरता से लेने की जरूरत है। वो एक जोकर है। एनएसटी एनएफटीआईआई के दौर के उनके कई समकालीन लोग उनके साइकोपैथ नेचर के बारे में बता सकते हैं, ये उनके खून में है। अपने खिलाफ नसीर का व्यक्तिगत बयान अनुपम खेर को चुभ गया और उन्होंने ट्विटर पर वीडियो बयान जारी कर जमकर भड़ास निकाली। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे, आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान, इसको समझ जाइए बस। राजनीतिक मुद्दों पर अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के मुखर चेहरों में हैं, लेकिन दोनों हमेशा विचारधारा के विपरीत छोर पर नजर आते हैं। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं जो बातें हो चुकी हैं हमारे मुल्क में। कौन इनकार कर सकता है कि इस तरह के हादसे हुए हैं जहां लोगों को घेरा गया है और उनसे पूछा गया है कि अब तुम्हारा मजहब क्या है बताओ, और अक्सर उनको नंगा किया गया है ये मालूम करने के लिए कि वो कौन से मजहब के हैं। संवाद और वैचारिक मतभेद स्वस्थ लोकतंत्र की जीवंत निशानी है, लेकिन ये तभी तक ठीक है जब संवाद का स्तर मुद्दों पर हो और निजी छींटाकशी पर न उतर आए। यहाँ ये बारीक रेखा टूटती नजर आ रही है इस फिल्मी सीन की तरह।